दो, आप नाराज हैं मुझसे, बताए ना दादो। बिला वजह की नफरत छोड़ दो शानी से। दादो, जब भी मैं शानी को देखती हूँ तो मुझे अम्मा याद आ जाती है। अब्बा शानी की वजह से अम्मा को मारते थे। बेटा मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, इसमें शानी का कोई कसूर नहीं है। बस छोड़ दें दादो, आपको तो वैसे भी शानी से बहुत प्यार है, बिल्कुल अब्बा की तरह। आपको तो अम्मी भी नहीं याद आती होंगी। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं, मरने वाले को भुलाया नहीं जाता। और फिर उस बेचारी ने तो सारी जिंदगी इतनी तकलीफ में गुजारी, अगर मैं उसे भूल भी जाऊं तो उसका दुख, उसका दर्द तो कभी नहीं भुला सकती। मैंने आपको रुला दिया दादो? नहीं बेटा। स्कूल कैसा है तुम्हारा, पसंद आया? दादो स्कूल तो बहुत ही अच्छा है, अभी पढ़ाई में तो सब मुझसे आगे हैं, लेकिन मैं इतनी मेहनत करूंगी कि सबसे आगे निकल जाऊंगी मैं, इंशाल्लाह। दुआ, तुम्हारे अब्बा कह रहे थे कि तुम अब बड़ी हो गई हो, बच्चों को स्कूल से लाना ले जाना कर सकती हो, डर तो नहीं लगेगा ना? नहीं दादो, बल्कि मैं तो आपसे यही बात कहने वाली थी, आपके घुटनों में दर्द होता होगा तो मैंने सोचा कि शानी और सिला को मैं खुद ही स्कूल ले जाया करूंगी और खुद ही ले भी आया करूंगी। ठीक है, शानी का खास ख्याल रखना, छोटा है अभी, बच्चा है। जी दादू, आप परेशान ना। अम्मी, थैंक यू अम्मी। किस बात का? और सब के लिए जो आपने दुआ के लिए किया। आज यूनिफॉर्म में बहुत अच्छी लग रही थी। तुम उनकी तरफ गए थे? नहीं नहीं, छुट्टी में मिली थी। अच्छा, इसीलिए इतनी देर से आए? वैसे अम्मी, सईद अंकल हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? बेटा दिमाग खराब है उनका, उन्हें हमेशा से लगता था कि अगर हम सुलेखा बाजी की मदद कर देते हैं या उनको कुछ समझा देते हैं तो उसका मकसद सिर्फ सईद भाई से नफरत दिलाना था। नफ्सियाती बीमारी है उन्हें। अच्छा चलो, बहुत देर हो गई है, स्कूल की तैयारी कर ली तुमने कल की? बस कर रहा था। जाओ जल्दी से जाओ, बैग पैक करो।